आज हम लोग इस कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति में एक ऑनलाइन माध्यम से जो इस एक वीडियो बना रहे हैं उसमें बिहार की वित्तीय संस्थाएं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बिहार जो है हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में पिछड़ा हुआ राज्य है। और बिहार चाहे आर्थिक मामले में हो या सामाजिक मामले हो, माने आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर दोनों रूपों में एक पिछड़ा हुआ राज्य के रूप में जाना जाता है। और बिहार का जो मुख्य पेशा है, लोगों का धंधा है बिहार के लोगों का, वह कृषि है। यानी बिहार के लोगों की जिंदगी जो है पूरी तरह से कृषि से जुड़ी हुई है। अर्थात बिहार की कुल आबादी का 90% लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। और बिहार की कृषि भी पिछड़ी हुई है। बिहार में उद्योग धंधा की जब हम बात करते हैं तो उद्योग धंधा तो दूर दूर तक नहीं दिखता है। और कहीं बिहार में कुछ उद्योग है तो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है। हम बड़ा उद्योग की तो जो है ना माने कभी सोचे भी नहीं है, है भी नहीं। तो ये स्थिति है। अब सवाल है कि बिहार की जो कृषि है उद्योग में तो हम सबसे निचले स्तर पर है ही, जीरो पर है ऐसे समझिए। लेकिन कृषि जो है हमारी बिहार की वो भी विकसित नहीं है। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर बिहार का कृषि पिछड़ा हुआ है, बिहार का उद्योग सबसे निचले पायदान पर है यानी नहीं के बराबर है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बिहार में पूंजी का अभाव। यानी बिहार में पूंजी का अभाव है। देखिए हमारा बंगाल या कुछ अन्य राज्य हैं जो वहां भी पूंजी का अभाव था, लेकिन वहां की पूंजी की पूर्ति हो गई क्योंकि वहां पूंजी निवेश हुए। और बिहार में पूंजी निवेश भी नहीं हो पाती है। उसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं। यहाँ जो हमारे बाहरी जो पूंजीपति हैं वे पूंजी निवेश करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि बिहार में पूंजी लगाएंगे, हाँ खुद हमारी ही जान माल की खतरा रहती है। आए दिन जो है यहाँ यह न्यूज़ें छपती है कि उस अफसर को मार दिया गया, उसको मार दिया गया, इस तरह की जो है ना कानून व्यवस्था की समस्याएं हो जाती है। तो ये बात है। सरकार जो है हमारी बिहार सरकार बहुत प्रयास की है, प्रयासरत रही है कि बिहार वित्त के मामले में आत्मनिर्भर बने। बिहार वित्त के मामले में आत्मनिर्भर बने यह प्रयास रहा है, आज भी है। फिर भी हम जितनी बिहार के वित्त के मामले में विकास चाहते हैं, विकास की बात सोचते हैं या विकास की बात करते हैं उतनी हो नहीं पा रही है। ठीक, फिर भी बिहार की विकास की गति धीमी गति चल रही है लेकिन चल रही है। तो हम इसमें कुछ वित्तीय संस्थाएं की बात करें। देखिए जब हम बिहार की वित्तीय संस्थाएं की जब बात करते हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, तो वित्तीय संस्थाएं की कुछ प्रकार है। संस्थागत वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं, एक संस्थागत और दूसरा है गैर संस्थागत। देखिए हमारे गैर संस्थागत जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है कि जब लोगों को पैसे की जरूरत होती थी, धन की जरूरत होती थी और वो उस धन की जरूरत की पूर्ति के लिए लोग जो है ना यानी बिहार के जो निवासी है ना वे आसपास के
के जो सेठ होते थे, साहूकार होते थे, महाजन जिनको लोग कहते थे, उनके पास जाते थे और उनसे अपना कर्ज लेते थे, उधार लेते थे, बाकी लेते थे और उससे अपना करके काम चला लेते थे। यानी लोगों की वित्त की जो आपूर्ति होती थी वह प्राचीन काल में गैर संस्थागत रूप में होती थी, सेठ से, साहूकार से, महाजन से, व्यापारियों से करके लोग अपना काम चलाते हैं और ये संस्थाएं आज भी विद्यमान है बिहार में, ठीक है ना। और सरकार की पहल हुई और सरकार के पहल से संस्थागत जो है ना वित्त संस्थाएं खुली है और वे संस्थागत वित्त संस्थाएं जो है ना हमने यहाँ दिखाया है तीन प्रकार की है। एक जो है ना बैंकिंग संस्थाएं है, दूसरा जो है ना राजकीय संस्थाएं हैं और तीसरा जो है राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। देखिए जब बैंकिंग संस्थाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसमें एक व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंक आती है। थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे कि जो हमारी बैंकिंग संस्थाएं हैं उनके बारे में। देखिए हमारे यहाँ बैंकिंग संस्थाएं जो है ना वे तीन प्रकार के हैं, व्यावसायिक बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, सहकारी बैंक है। व्यावसायिक बैंक की हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी दो हैं, एक सरकारी बैंक है और दूसरा निजी बैंक है। अब सरकारी बैंक की हम लोग जब बात करते हैं, देखिए अब हम लोग सरकारी बैंक की हम दोनों की हम एक साथ लेकर के चले कि हमारे यहाँ व्यावसायिक बैंक की क्या स्थिति है। देखिए पहले जो है ना व्यावसायिक बैंक की शाखाएं जो है ना शहरों में हुआ करती थी, छोटे बड़े शहरों में होती थी, लेकिन हम वर्तमान में देखें यह हमारा 2021 चल रहा है, 2021 में चले तो व्यवसायिक बैंक ने बिहार के वित्त विकास के मामले में बहुत बड़ा योगदान दिया, हम इनकी योगदान को नकार नहीं सकते। इन्होंने बहुत सारी शाखाएं भी खोली और प्रयास किया कि हम हर गांव तक पहुंचे, यह सच्चाई है। आज हमारे व्यवसायिक बैंक ना हमें तो लगता है कि बिहार के हर छोटे बड़े बाजार पर ना कोई व्यवसायिक बैंक जरूर है, उन व्यवसायिक बैंक की शाखाएं जरूर है। मुझे तो लगता है कि हर छोटा बाजार जो है वहां पर किसी न किसी हमारे बहुत से व्यवसायिक बैंक हैं, जैसे PNB है, जैसे हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो है ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा यूको बैंक ऑफ इंडिया है ना बैंक ऑफ, तो ये सब बहुत सारे जो बैंक हैं व्यवसायिक बैंक हैं या हमारे जो प्राइवेट HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, इन सब लोगों ने और खास करके हमारे सरकारी बैंक संस्थाओं ने यह प्रयास किया कि हम हर पंचायत को जरूर जो है ना टच कर दे और किया भी है, ठीक है ना। और लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़े यह हमारा व्यवसायिक बैंक का जो है ना मतलब प्रयास जरूर रहा है। आज ये लोग कोशिश किए हैं कि हम हर घर में जरूर पहुंचे और पहुंचे भी हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं, ठीक है ना। ये मतलब पहुंचे भी हैं। आज देखिए हमारे व्यवसायिक बैंकों का पहल है कि यदि हम गांव गांव अपनी यदि शाखा नहीं खोल सकते हैं तो हम छोटे छोटे शाखा जो CSP के नाम आप लोग सुने हैं, CSP ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में ये बैंक जो है ना हर गांव तक पहुंचने का कोशिश किया है और यह कोशिश सफल भी रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है यार कि ये बैंक से हम कृषि के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में, ये दोनों बैंक ये जो व्यावसायिक बैंक है हमारे कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र में जो है ना निवेश करते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों क्षेत्र में जो पैसे की जरूरत, जो पूंजी की जो जरूरत होती है उसकी ये पूर्ति करते हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि क्षेत्र में जितनी पूंजी निवेश होनी चाहिए उतनी पूंजी निवेश ये व्यवसायिक बैंक कृषि क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। आज ये जो ग्रामीण स्तर तक जो पहुंचे हैं अपनी शाखाओं के माध्यम से या अपनी CSP के माध्यम से, ये केवल लेन देन के मामले में लोगों की बचत के लिए बढ़ावा दिए, बात सही है, लेकिन जितनी पूंजी निवेश होनी चाहिए थे कृषि के क्षेत्र में और हमारे उद्योग के क्षेत्र में वे लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह फेल रहे, असफल रहे, ठीक है। अब ये जो है ना
इतना तक तो समझ में आ गई होगी। अब जो बात है, और सरकार जो है ना यहाँ कृषि पर फोकस देना चाहिए, इसलिए क्षेत्रीय बैंक की जो है ना बात आई। क्षेत्रीय बैंक जो है ना उसको हम लोग तीन भाग में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो बैंक जो चल रहे हैं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक या मध्य बिहार ग्रामीण बैंक या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ये हमारे कमर्शियल बैंकों की सहयोग से चल रहे हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सहयोग से चलता है। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक जो है ना पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से चलता है। और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के सहयोग से चलता है। तो ये जो हमारे क्षेत्रीय जो बैंक है, ये बैंक हमारे कृषि क्षेत्र में ऋण देना और शाख का सृजन करना, इनका यह मूल काम है। और ये हमारे बैंक जो क्षेत्रीय बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, यह कृषि के क्षेत्र में मूल रूप से ऋण देने का, किसानों को लोन देने का, बीज के लिए, उनके कृषि यंत्र के लिए, इन सब के चीज, मतलब उनकी हर जरूरतों को, कृषि से संबंधित हर जरूरतों को, पैसे के अभाव को पूरा करना इन बैंकों का काम है। और ये बैंक जो है ना अपने काम को जो है ना कर रहे हैं, तत्परता से कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों के सहयोग की भी इसमें थोड़ी जरूरत हो जाती है। और व्यावसायिक बैंक भी लगे हैं, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप ये काम नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, हम थोड़ी चर्चा जो है ना अब आपको करें, थोड़ी सहकारी बैंक की बात करते हैं। ये हमारे सहकारी बैंक है। केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में आप लोग जानिएगा कि ये जिला स्तर पर, ऐसे केंद्रीय लगता है तो ऐसा मत समझिएगा कि ये सेंट्रल सरकार का है चाहे ऐसा, ऐसी कोई बात है नहीं है। ये जिला स्तरीय है हुआ, ये जिला स्तर पर है और ये राज्य स्तर पर है। और भूमि विकास बैंक की हम थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में, पहले इसकी देखिए। ये जो हमारे सहकारी बैंक है, ये जो जिला स्तर पर होते हैं ना सहकारी बैंक, उनको हम लोग केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं, ठीक है। यही थोड़ा सा ध्यान कंफ्यूज करता है, तो ये जिला स्तर पर होते हैं, ये बात ख्याल रखिएगा। और उनको हम लोग केंद्रीय सहकारी बैंक से या केंद्रीय सहकारिता बैंक से भी, लोग सहकारिता भी कहता है इसको, इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि सहकारी और सहकारिता ये कोई नई चीज नहीं, दोनों एक ही चीज है। ये जिला स्तर पर है। देखिए, बिहार सरकार ना है इसको प्रखंड स्तर पर लाई थी, और ये जो है ना जब आए ना तो बहुत लोगों को मदद किया। लोगों को लिए बीज के लिए पैसा देता था, खाद के लिए पैसा देता, खाद देता था यार, बहुत लोगों को यूरिया डीपी सब मिला है। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो ये काफी जो है ना ऋण बांटने का काम किया अपने, मतलब प्रखंड स्तरीय शाखाओं के द्वारा। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने जो ले लिया सो दिया नहीं, जो लिया सो दिया नहीं, स्थिति इनकी यह बन गई कि इनकी कार्यालय में ताले लग गए। और जो ताले लगे ना आज भी नहीं खुले, या तो कुछ उसके अपने कर्मचारी गौबा कर दिए और बाकी बचे हुए किसान गौबा करके अपने सधा दिए, इस बैंक को खत्म कर दिए। ये बैंक जो है ना जो प्रखंड स्तर पर इसकी जो शाखाएं थी वो बंद हो गई, खास करके मैं सारण जिला को तो है ना स्पष्ट रूप से कह दूंगा। अब ये जो है ना जिला स्तर पर बैंक चल रही है, ठीक है ना। अब इसमें हमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, सरकार इसको चाहिए कि हम फिर से पुनर्जीवित करें। बहुत सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है यह। सरकार जरूर चाहिए कि हम सहकारिता बैंक को फिर से पुनर्जीवित करें। और ये बैंक चल रहा है, राज्य स्तर पर है, इसको कोई नुकसान नहीं है, ये दोनों चल रहा है। तो दोनों जो है ना एक ही चीज है, तो दोनों पहल किया कि हम इसको फिर से पुनर्जीवित करें और इससे हमारे बिहार के किसानों को जो है ना ज्यादा से ज्यादा वित्तीय मदद मिल सके। इसके लिए बिहार सरकार ने पैक्स की स्थापना की। पैक्स का नाम सुनते होंगे, पैक्स जो हम लोग क्या कहते हैं, अति प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक है ना।
उसके माध्यम से यह शुरू की, हमारा पैक्स का सदस्य बने, पैक्स का चुनाव हुए, सब कुछ हुए ना, पैक्स अध्यक्ष हुए, पैक्स कोषाध्यक्ष सारे लोग हुए, और पैक्स से आप जान लीजिए कि सहयोग होता है, लोगों को खाद मिलता है, बीज मिलता है। इतना ही नहीं, पैक्स को जो है ना लेन देन का काम है, ट्रांजेक्शन का काम करना है, यानी बैंक भी चलाना है पैक्स को, ऐसे समझिए स्पष्ट। लेकिन आज हमारा कोई पैक्स जो है ना शायद नहीं बैंक नहीं चला रहा है, कि चला रहा है जी, नहीं चला रहा है, नहीं चला रहा है कोई पैक्स। हमारे हर पंचायत में पैक्स है कि नहीं है, हर पंचायत में पैक्स है, सरकार की पहल है, लेकिन ये लोग जो मतलब बचत को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करना, फिर उसको प्रदान करना, ये काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये ऋण देने का भी काम नहीं कर रहे हैं, ये सीधे सरकार के द्वारा जो अनुदान के रूप में जो उर्वरक और बीज आते हैं वही दे करके ये लोग बंद कर देते हैं, इससे ज्यादा अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और उसी में लूट खसोट लोग कर रहे हैं। और जो है ना दूसरी चीज है कि दूसरा ये लोग जो मतलब अनाज की खरीदारी वगैरह भी कर रहे हैं, इससे सिवा ये लोग बैंकिंग काम, मेरे कहने का मतलब ये लोग बैंकिंग काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, तो पैक्स के माध्यम से सरकार ने कोशिश की है कि हम किसानों की मदद करें, लेकिन वो भी कोशिश अधूरी रही है, मुझे ऐसा लगता है। ये अब देखिए भूमि विकास बैंक की बात, भूमि विकास बैंक को पहले जो था ना भूमि बंधक बैंक कहा जाता था, भूमि बंधक बैंक, यानी इसका काम है, ये किसानों के खेत के जो कागज होते हैं ना उसको ले लेता है, जैसे दस्तावेज हुए ठीक है ना, या उसका जो खतियान वो ले लेता है, और उन लेकर ले लेता है, और तब जो है ना यह ऋण सप्लाई करते हैं, और खास करके जो है ना सिंचाई के क्षेत्र में, ठीक है ना, बोरिंग वगैरह पंप सेट वगैरह पहले देता था यार। अब यह उस तो इस वो का, इसका मतलब क्या कि भूमि को बंधक रखता है, ठीक है, यदि आप ऋण नहीं देते हैं तो भूमि पर जो है ना अपना कब्जा बनाता है, वह भूमि को जो है ना अपने ढंग से उसको क्या करता है, विक्रय करने का भी शक्ति रखता है। तो ये भूमि बंधक बैंक था, अभी भूमि बंधक बैंक के पास लोग नहीं जाते थे, डरते थे पापी तो जमीन ले लेगा, अरे तो हमारा जमीन ले लेगा ना, इसके पास नहीं, और ये थोड़ा दीर्घकालीन भी मतलब ऋण देता है, और दीर्घकालीन का मतलब समझिए कि 5 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए ऋण देता है ऐसा कुछ। तो ये अब बाद में सरकार देखी कि इसका नाम से लोग डरता है, तब इसका नाम लोग बदल दी भूमि विकास बैंक, भूमि बंधक को भूमि विकास कर दिया, अब लोगों को लगा कि अब हमारे भूमि का विकास होगा, ये बंधक नहीं रहेगा, तो अभी भूमि विकास बैंक हो गया। यह बैंक जो है ना लोगों को काफी संख्या में सिंचाई के क्षेत्र में मदद की, नलकूप को लगाने का काम, जल निकासी जो पंप सेट मशीन जो होता है वो पंप सेट मशीन देने का काम, ये सब काम खूब की। लेकिन हमारे बिहार के लोग, इसके कर्मचारी किसान दोनों की बेली भगत से इसकी पूंजी समाप्त हो गई, ये बैंक भी मृत प्राय हो गया, कई वर्षों तक ताले लगे रहे, लोकल में इसकी शाखाएं हैं, ताले लगे रहे, काम करना बंद कर दिया, फिर सरकार ने धीरे धीरे इस बैंक को पुनर्जीवित किया है, फिर यह बैंक असूली में लगे हुए हैं, पुराना ऋण असूल रहे हैं, कंप्रोमाइज लोगों से कर रहे हैं, कंप्रोमाइज मतलब एग्रीमेंट समझौता के तहत ऋण असूली का काम चल रहा है, और ये ऋण देने का भी काम अब फिर से करने लगे हैं, लेकिन फुक फुक कर चलते हैं, यह फुक फुक कर चलने का मतलब कि बड़ी सावधानी से चल रहे हैं, ताकि एक बार बहुत दिनों तक ताले लगे हुए। अब जो है ना ये आपके मुर्गा पालन के लिए भी ऋण देते हैं, आपके सिंचाई के लिए भी ऋण देते हैं, अब ये केवल पहले सिंचाई के लिए भी ऋण देते थे, आज बोल बंजर भूमि को यदि अच्छा भूमि बने, भूमि विकास यानी उसको कृषि योग्य भूमि बनाने में भी ये काफी सहयोग देते हैं,
तो कई योजनाएं इनकी चल रही है और बकरी पालन के लिए भी लोन देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सी जो है ना आज फिर से लगे हैं लोगों की मदद जो है ना, किसानों की मदद जो है ना कर रहे हैं, लेकिन यह जो है ना काफी फूक फूक करके कदम उठा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बैंकों की यही स्थिति है। अब जो है हमारे ये जो राष्ट्रीय बैंक या निजी बैंक है, इन लोगों का तो बैंक अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ये लोग, मैं यही बताया कि इन लोग जो है ना बिहार में अपना पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि मेरे यहाँ बचत जो है जमा पूंजी के रूप में जमा हो और उसका निकासी हो। ये लोग भी जितनी जरूरत है, जितनी राज्य सरकारें लक्ष्य तय करती है साख जमा अनुपात के अनुरूप, ये लोग जो है ना पूंजी निवेश बिहार में नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, खास करके कृषि क्षेत्र में तो बहुत कम, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आपको जो यहाँ कुछ राजकीय संस्थाएं हैं जो वित्त निगम है उसकी थोड़ा सा मैं चर्चा करूं। यह बिहार राज्य वित्त निगम है और बिहार राज्य वित्त निगम के जो है दो शाखाएं हैं, एक बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग विकास वित्त निगम है और एक बिहार राज्य अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम है। यह जो है ना मैंने विशेष वर्ग के लोगों को, ठीक है ना, ठीक है, व्यवसाय के लिए या उद्योग धंधा के लिए ऋण प्रदान करती है, लेकिन इनकी शाखाओं का जो है ना घोर अभाव है। यह केवल अपने मुख्यालय में बने हुए हैं, ठीक है ना, और ये कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। सबसे मैंने फिर मैं बार बार यह कहना चाहूंगा कि बिहार के लोगों की कुछ सोच भी गलत है और धारणाएं भी गलत है। ये भी बहुत सा लोन दिया और वही बात है, बिहार के लोगों की यही सोच है कि जिसका लिए उसको दिए नहीं आपका लेके मर जाएंगे, तो जो बिहार के लोग ले लेते हैं देते नहीं है। तो ये लोग भी जो है ना, अब समझिए कि नाम के लिए संस्था है हुआ, और तो हम चार की संस्था का नाम लिखे हैं, बिहार सरकार तो 10 संस्था बनाई थी, राज्य की ये वित्त संस्थाएं 10 गो थी, लेकिन 4 गो बची है, 6 गो चली गई, खत्म हो गई, बंद हो गई, और ये 4 जो बची है ये भी बंद के कगार पर है, ये भी ऋण उन नहीं देते हैं, दिए थे फिर कहते हैं कि देंगे, कहिया देंगे, कब देंगे पता नहीं, ठीक है ना। तो ये सब संस्थाएं या फिल्म के क्षेत्र में, ये विद्युत के क्षेत्र में काम अपना करते हैं, ठीक है ना, और ये बिहार अपनी वित्त जो है ना ये करती है, इसको पब्लिक से कोई संपर्क नहीं है, इसको विशेष भी पब्लिक से संपर्क नहीं है, और इसका विशेष पब्लिक से संपर्क था तो यह भी आजकल जो है ना काफी शिथिल है, यह काम नहीं कर रहा है। यह समझिए ना कि यह भी मतलब बीमार संस्था है, यह खुद को बीमार है यह, तो यह बाकी बीमार किसानों को क्या मदद करेगा। तो ये हमारी जो है ना स्थिति है। फिर भी हम ये कहें कि बिहार धीरे धीरे रेंग रेंग करके जो है ना आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये हमारे बिहार की वित्तीय संस्थाएं हैं और यही संस्थाएं मदद कर रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, और यही तो बिहार की स्थिति है, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, इन सब संस्थाओं के बारे में हम जान गए, ये सब हमारी संस्था है और ये सब काम कर रही है, और यही संस्था है कि जो वित्त के क्षेत्र में हमें मदद पहुंचा रही है। अब आगे जो भी बातें होगी कि कमर्शियल बैंक जो है, ये जो व्यावसायिक बैंक हैं, इनकी क्या क्या कार्य है, किस किस प्रकार की जो जमा पूंजी लेते हैं, वह जमा पूंजी कितने रूप में लेते हैं, कितने प्रकार से लेते हैं ना, ठीक है ना, वह विशेष चर्चा हम लोग इन कमर्शियल बैंक के विशेष कार्यक्रमों पर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण होगा।